नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई यूएई के बारे में। यूएई का मतलब होता है जैसे दुबई, शारजा, रसल खेमा, ये जो जितने भी तीन चार स्टेट मैन हैं उससे सभी से रिलेटेड बात करेंगे। क्वारंटाइन से रिलेटेड, फ्लाइट से रिलेटेड, वैक्सीन से रिलेटेड, जी हाँ डिटेल से बात करेंगे भाई। जो अगर आप इन स्टेटों में जाना चाहते हैं तो किस तरीके से कैसे जा सकते हैं, पूरा वीडियो देखिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको यूएई से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। दुबई की सबसे बड़ी अपडेट बता दूं भाई, दुबई ने तीन कंट्री के लिए, जी हाँ मालदीव, ओमान और ऑस्ट्रेलिया, जी हाँ ऑस्ट्रिया, इन तीन देशों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट को भी कैंसिल कर दिया है। यानी ये लोग बिना आरटीपीसीआर टेस्ट के भी जा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये नियम कौन सा लागू हो गया, मार्च 2020 से जो पहले प्रोसेस चल रहा था ना, टिकट लो, वीजा लो, जाओ, वो इन तीन देशों के साथ में वी ने, दुबई ने सेम स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, इसका रीजन क्या है भाई, मालदीव, ओमान और ऑस्ट्रिया में जो कोरोना केस है बिल्कुल खत्म है। हालांकि ओमान में 50-60 केस, इतना बड़ी कंट्री आते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, और मालदीव में तो आपको पता ही है, और ऑस्ट्रिया, इन तीनों देशों को भाई फ्री कर दिया है। सिर्फ वीजा पकड़ो, टिकट पकड़ो और सीधा दुबई पहुंच जाओ, कोई क्वारंटाइन नहीं है, कोई आरटीपीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं है। जी हाँ, तो ये बड़ी अच्छी बात है भाई। जी हो सकता है धीरे धीरे उम्मीद है कि हमारा भी नंबर आ जाए। हालांकि इंडिया की अगर बात करें तो भाई इंडिया में देखिए कोरोना की स्थिति ठीक है, लेकिन केरला है ना, केरल, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है कि इंडिया में 27,000 केस आने लगे थे, वो पहुंच के 47,000 केस हो गए, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। उम्मीद करते नहीं आए, जल्दी कंट्रोल हो जाए। दुबई के बारे में बस यही अपडेट है भाई, कोई खास अपडेट फ्लाइट से रिलेटेड और कोई नई अपडेट है नहीं, होगी तो हम आपको जरूर देंगे। आबूधाबी की बात कर लें भाई, आबूधाबी ने क्वारंटाइन वाला सिस्टम खत्म कर दिया। जी हाँ, आपको पता है पहले आबूधाबी कोई भी जाता उनको क्वारंटाइन रहना पड़ता था, 10 दिन उसको टेस्ट वगैरह होते थे, उसको खत्म कर दिया है। यहाँ पे आबूधाबी ने दो तरह की कैटेगरी रखी है, रेड लिस्ट में और ग्रीन लिस्ट में। जी हाँ, इसमें मैं बता दूं कि अगर आपने यहाँ वैक्सीन लगाई है या नहीं लगाई है उस आधार पे फाइनल होगा, बाकी क्वारंटाइन वाला झंझट खत्म कर दिया गया। कब से, 5 सितंबर संडे से, जी हाँ यानी कल से ये नियम स्टार्ट हो जाएगा। इसमें बता दूं उन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बता दूं WHO से मान्यता प्राप्त जिन्होंने जो वैक्सीन लगा रखी है उनकी अगर बात करें, WHO से मान्यता प्राप्त जो भी डोज लेके अगर आप दुबई में बात करें, आबूधाबी अगर आप जाते हैं तो आपको क्वारंटाइन रहने की कोई जरूरत नहीं है। शर्त यही है कि ICA डॉक्यूमेंट, ICA जो ऐप है आप सबको पता ही है, उस पर ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। जी हाँ, अपलोड करने से, अपलोड में मान लीजिए आपके पास जो पासपोर्ट की कॉपी है उसको, या आपका एड्रेस प्रूफ है, या आपके दोनों डोज हैं उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि पहली बात तो आपको आराम से क्वारंटाइन का चक्कर नहीं रहेगा, दूसरा अल होसन ऐप है उसमें आप ग्रीन लिस्ट में आ जाओगे। ग्रीन लिस्ट का मतलब है कि आप प्राइवेट कहीं पर भी पब्लिक प्लेस में जा सकते हैं, उसमें ग्रीन सिग्नल होगा तभी आप बाहर घूम सकते हैं, वरना आप बाहर नहीं घूम सकते। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डोज की, हालांकि यहाँ पे बताया गया है कि वैक्सीन की जरूरत नहीं है, लेकिन वैक्सीन अगर आपने लगवा रखी है तो आप प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट जगह में या फिर आप बाहर पब्लिक प्लेस में घूम सकते हैं, क्योंकि डोज आपने नहीं लगवाई है तो आपके पास अल होसन ऐप है वो ग्रीन लिस्ट में नहीं आएगा, ग्रीन नहीं दिखाएगा, तो आप बाहर नहीं घूम सकते। इसके बढ़िया कि आप डोज लगवा के रखें, बाकी आपको क्वारंटाइन वाला कोई चक्कर नहीं है, आप बिल्कुल डायरेक्ट आपकी एंट्री हो जाएगी। जी हाँ, रेड लिस्ट से जो लोग जाएंगे, रेड लिस्ट कंट्री से जैसे इंडिया की अगर बात करें, तो वो लोग अगर आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, जी हाँ, तो आपके एक चौथे दिन आपका बता, आप बिना वैक्सीन वाले हैं, जी हाँ बिना वैक्सीन के अगर आप जाते हैं तो एक चौथे दिन आपका कोरोना जो टेस्ट होगा और एक 8वें दिन टेस्ट होगा। जी हाँ, दो आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे कोरोना के वहाँ पे। और जो अगर आप रेड लिस्ट में वैक्सीन लेके जाते हैं तो आपको एक ऑन अराइवल एक आपका टेस्ट होगा और उसके बाद आप फ्री हैं, आप जा सकते हैं। तो ये अच्छी न्यूज़ है भाई, टेस्ट जो डोज हैं वो लेके जाना जरूरी है ताकि आपको दोबारा ये दो बार टेस्ट वाला है वो झंझट खत्म हो जाए। जी हाँ, अगर आप जाते हैं शारजा और रसल खेमा, जी हाँ वहाँ के बता दूँ न्यू वीज़ा वाले जो लोग हैं, या कोई भी वीज़ा, न्यू वीज़ा आपने लिया है, आपके पास ओल्ड वीज़ा है, या आप रेजिडेंशियल होल्डर हैं, कोई भी सभी प्रकार वीज़ा होल्डर वाले अगर आप जाते हैं शारजा, रसल खेमा, जी हाँ वहाँ पे आपको ICA का अप्रूवल है, उस पे आपको रजिस्ट्रेशन आपका करवाना पड़ेगा। जी हाँ, पूरा रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। और उसमें बता दूँ एक ऑन अराइवल टेस्ट होगा आपका रसल खेमा और शारजा एयरपोर्ट पे, वहाँ हो गया, उसके बाद में 10 दिन आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। जी हाँ, शारजा में या फिर आप जाते हैं रसल खेमा में 10 दिन आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, 9वें दिन
10 दिन से 1 दिन पहले आपका दोबारा आपका टेस्ट लिया जाएगा, उस रिपोर्ट के आधार पे आपको निकाला जाएगा। जी हाँ, और वैक्सीन का जो आपने एयरपोर्ट पे, जैसे आपने अपने इंडिया में या फिर अपने अलग अलग देशों में आपने वैक्सीन ली है, उसका भी आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तब आपको रासल खेमा या फिर शारजा एयरपोर्ट पर एंट्री मिलेगी। जी हाँ, ये सभी लोगों के लिए है। तो भाई देख सकते हैं आप कि दुबई की अगर बात करें, यूएई की 7 स्टेट हैं, तो ज़्यादा मैन 3-4 स्टेट ही हैं, बाकी का तो कोई ज्ञान गिनती उनकी तो है ही नहीं, समझ गए, उनके कोई अपडेट वगैरह भी नहीं आते, आप सबको पता ही है, और वहाँ पे एयरपोर्ट्स वगैरह कोई चक्कर है भी नहीं। ठीक है जी, दुबई का हम यहाँ पे बात करी, शारजा की हमने बात करी, जी हाँ अबू धाबी की बात करी, रास अल खेमा की बात करी, यानी हमने बात कर ली कितने स्टेटों की, 4 स्टेटों की, 7 में से 4, चारों स्टेटों के और चारों एयरपोर्ट्स के सबके अलग अलग नियम हैं, आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं, सबकी अलग अलग प्रोसेस है, सबका अलग अलग है। दुबई की जितनी न्यूज़ कंफ्यूज़ करने वाली होती है ना भाई, उतनी किसी की भी नहीं होती। न्यूज़ बनाने वाला है या देखने वाला है, सोचने वाला है, वो कंफ्यूज़ चकरा जाता है, उसको पल्ले नहीं पड़ता कि यार क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है। 4 स्टेट हैं, उसमें ये नहीं हो रहा है, उसमें ये होगा, इसमें ये हो जाएगा, उसमें वो नहीं होगा, इस तरह से ये प्रोसेस चलता है पूरा का पूरा। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि आप कौन सी स्टेट जा रहे हैं, उसी स्टेट की आपको ज़्यादा इंक्वायरी ज़रूरत है। जाना आपको शारजा है, एक्चुअली में होता क्या है, जैसे 7 स्टेट हैं, अलग अलग हैं, लेकिन दुबई फेमस है, आप सबको पता है, तो लोग जाना उनको कहाँ होता है, शारजा, फिर भी बोल देते हैं कहाँ जा रहे हो भाई, दुबई जा रहा हूँ, सिंपल सी है। तो जानकारी कई बार हम दुबई की रख लेते हैं और अपने को जाना एयरपोर्ट शारजा पे होता है, तो वो कन्फ्यूज़न हो जाता है, आपको दिक्कत आ सकती है। जी हाँ, अब बात करें, एक बंदे का मेरे पास फ़ोन आया था, ये रियल बात है, जैसे ट्रांजिस्ट दुबई ने आपको पता है ट्रांजिस्ट स्टार्ट कर रखा है, अब दुबई ने कर रखा है तो दुबई ने कर रखा है, यूएई का पूरा का मत समझिए। अब वो बंदा इंडिया से फ्लाइट उनको जाना था ट्रांजिस्ट होके दुबई, दुबई से यूक्रेन, यूक्रेन से आगे इथोपिया, यानी 3 देशों की उसने टिकट ले रखी थी, वीज़ा ले रखे थे। दिल्ली एयरपोर्ट पे बंदा पहुंचता है उसको, और उसने क्या किया, गलती से बता दूं, अबू धाबी की फ़्लाइट ले ली, और अबू धाबी पे आपको पता है ट्रांजिट वीज़ा का ऑप्शन बंद है, तो फ्लाइट ने बैठने से मना कर दिया। अब उस बंदे को कितना नुकसान हुआ, आप सोचिए, समझ रहे हो बात को। अगर ऑन द स्पॉट आप वो दुबई की फ़्लाइट लेता, आप लोग बोल सकते हैं कि सर वो दुबई की जा, भाई ऑन द स्पॉट महंगा कितना पड़ता है टिकट, आप सोचिए कि जाने से 1 घंटे 2 घंटे पहले टिकट बनाओगे तो टिकट कितनी महंगी आएगी। तो कहने का मतलब है कि आप जिस स्टेट में जा रहे हैं उसी स्टेट की इंक्वायरी लीजिए, ताकि आपको एयरपोर्ट पर दिक्कत नहीं हो। भाई इनका अलग अलग, इनके राजा हैं अलग अलग, उनके रंग हैं अलग अलग, उनकी सोच है, सबका सिस्टम अलग अलग है, समझ गए बात को। दुबई है तो भाई दुबई थोड़ा नेचुरल है, वो अलग माइंड रखता है, उनका माइंड अलग तरीके से, उनकी सोच भी अलग तरीके से, वो नियम बड़े सबसे सख्त, नॉर्मल अगर देखे जाए तो सॉफ्ट नियम अगर एयरपोर्ट में देखे जाए तो दुबई का है, बाकी तो सबके अलग अलग हैं, थोड़े हार्ड है वगैरह वगैरह। तो आपको ये बात समझ में आ गई, दुबई जाने वालों के लिए भाई अच्छी बात यह है कि कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको रैपिड टेस्ट करवा लो और आप जाके दुबई पहुंच जाओ। जी हाँ, बाकी ऑफिशियल अगर बात करें फ़्लाइटों की, तो आपको पता भाई ऑफिशियल कोई न्यूज़ सरकार की तरफ से नहीं आई है कि ठीक है जी फ़्लाइट हमने चालू कर दी, वीज़ा चालू कर दिए 30 अगस्त से सभी ऑल कंट्रीज़ के लिए जो रेड लिस्ट में डाले गए थे। अब ठीक है, लोग जा रहे हैं दुबई, इंदौर से भी फ़्लाइटें जा रही हैं, स्टार्ट हो चुकी हैं, आपने देखा होगा, दुबई से भी जा रही हैं, लेकिन वो है ना, मतलब मज़ेदारी वाली बात नहीं है कि खुल के फ़्लाइटें आ रही हैं जा रही हैं, वो नहीं है। तो थोड़ा सा आप सोच के समझ के टिकट बुक करें। दुबई से रिलेटेड साथियों यही अपडेट थी भाई, विजिट वीज़ा स्टार्ट है, वर्क परमिट वीज़ा का अभी तक मुझे लगता नहीं है कि दुबई सरकार चालू करने वाली है। जी हाँ, क्योंकि यार उनको भी पता है ना कि भाई लोग यहाँ विजिट में आ रहे हैं वही लोग यहाँ पर वीज़ा कन्वर्ट करवा लेंगे, समझ लो, इतना तो उनको भी, जब हमारी ये सोच हो सकती है तो उनकी क्यों नहीं हो सकती, सीधी सी बात है। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से हो सकता है वर्क परमिट वीज़ा में लेट हो रही होगी, वरना तो भाई वर्क परमिट वीज़ा स्टार्ट कर देने चाहिए। जी हाँ, बाकी उम्मीद करते हैं कि इस सितंबर का जो महीना है हम लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ लेके आए, जो लोग वर्क परमिट वीज़ा में जाना चाहते हैं। जी हाँ, बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं जो वर्करों के बिना बैठी हैं, उनके पास वर्कर नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है कि डायरेक्ट में विजिट वीज़ा से वहाँ अगर बंदे को बुला के उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाते हैं तो 2,000 दिरहम का एक्स्ट्रा खर्चा आता है, आप मान के चलिए कंपनी के ऊपर वो खर्चा पड़ता है। एक वीज़ा 4,000 दिरहम में लग जाता है, उसी वीज़ा का 6,000 दिरहम लगता है, यानी 20,000। 2,000 दिरहम का मतलब क्या होता है भाई, 40,000 रुपये कंपनी का एक्स्ट्रा खर्चा पड़ता है, 10 बंदों की भी कंपनी को ज़रूरत है तो भाई 4,00,000 रुपये एक्स्ट्रा हो गए, तो ये कोई छोटी रकम नहीं होती है, समझ गए बात को। दुबई सरकार को सोचना चाहिए कि वो कंपनियां वहाँ बना रही हैं, लोगों को लाइसेंस दे रही हैं, लाखों दराम वो ले रही हैं उनसे कंपनी बना के, आज लोग वहाँ 1-1 साल से बैठे हैं लेकिन उनके पास वर्कर नहीं है, काम कहाँ से करवाएं, ये तो दुबई सरकार को सोचना चाहिए।
तो बस ये अपडेट देनी थी भाई वर्क परमिट से रिलेटेड, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय।